शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अभियोजन से संबंधित मामलों, आपराधिक मामलों की समीक्षा बैठक की। प्रशासन अधिकारियों के अध्यक्ष, जिला शासकीय अधिवक्ता भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में महिला संबंधी मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले 100 दिनों में संबंधित विभागों के लंबित कामों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उसी क्रम में आपराधिक मामलों के निस्तारण क्रम में पीड़ितों को आर्थिक न्याय दिलाने और अपराधियों को कानून प्रक्रिया के तहत सलाखों के पीछे भेजने के निर्देश दिए गए। आपराधिक मामलों की समीक्षा के संबंध में आयोजित की गई इस बैठक के संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जानकारी दी। देखिए, शासन द्वारा अभियोजन से संबंधित पहले 100 दिनों के शासन काल में कुछ टारगेट्स फिक्स किए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से महिला संबंधी अपराध, जिसमें कि जो अपराधी हैं या अभियुक्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सजा कराई जा सके, अन्य भी धाराओं में अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा कराई जा सके, इसके लिए इसको प्रायोरिटी पे लिया गया है। उसी के चलते आज यहाँ पर हमारे और डीएम साहब द्वारा अभियोजन से संबंधित जो जेडी प्रोसिक्यूशन है और डीजीसी साहब हैं और उनके जो सभी अधिकारी हैं उनके साथ एक विशेष बैठक की गई है, जिसमें केस बाय केस चीज़ों को डिस्कस किया गया है। कैसे गवाहों को जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करके उनका एविडेंस कराया जा सकता है, कैसे ट्रायल की प्रक्रिया को और तेज़ी लाई जा सकती है और कैसे जल्द से जल्द ऐसे अपराधों में सजा कराकर एक अच्छा मैसेज अपराधियों के मन में कानून का भय और जो हमारे आम जनता है या पीड़ित हैं उनमें एक अच्छा मैसेज देने के लिए ये मीटिंग की गई है। आगे भी ये मीटिंग की जाएगी और जो टारगेट शासन द्वारा फिक्स किए गए हैं उसको टाइम रहते उसको अचीव किया जाएगा। जनपद में कितने आपराधिक मामले ऐसे हैं जो कि ऐसे मामलों में सुनवाई हो गई? देखिए, ऐसे जो प्रायोरिटी वाले मामले अलग हर कोर्ट के अलग अलग मामले हैं, उनको हमारे डीजीसी साहब और जीडी प्रोसिक्यूशन साहब ने उसको उसकी लिस्ट बनाई है और ये डायनामिक लिस्ट है। इसमें जिन जिन में सजा होती जा रही है वो निकलते जा रहे हैं और जिसमें नए केस उसमें ऐड होते जा रहे हैं उन्हीं की समीक्षा हमारे द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले 100 दिन में आपराधिक मामलों की समीक्षा की जाए और ऐसे लंबित मामले हैं कि जो अभियोजन के माध्यम से उन सभी लंबित मामलों में जो कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके, यानी कि एक आपराधिक मुक्त उत्तर प्रदेश जैसी जो मंशा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को, एसएसपी को निर्देशित किया गया है कि अभियोजन के मामले जितने भी हैं जो कि बाकायदा जो न्यायालय में चल रहे हैं और ऐसे आपराधिक मामले जो लंबित हैं उनमें जल्द से जल्द लोगों को सजा मिल सके, उनमें उस जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाई जा सके। इसे लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आज मथुरा में ये बैठक ली है और बैठक में संबंधित जो अधिकारी हैं उनको इस मामले में तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। न्यूज पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।